रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो आज मुझे एक मेरे दोस्त नईम सादिक ने शजरा भेजा था कि उसके मुताबिक आप एक विरासत बना दें, तो आज हम विरासत पर वीडियो बनाएंगे। तो आए देखते हैं कि शजरा हमारे पास कैसा है, कौन सा है। ठीक है, ये हमारे पास एक शजरा है। हसबे गुफ्ता नईम सादिक यके वारसन शजरा मरतब किया गया। नईम सादिक ने शजरा मरतब करवाया है, उसने वारसान में लिखवाया है। सबसे पहले शकीला बीबी है जो मुतवफ़ी की बीवी है, ठीक है। उसके बाद लिखाई है उसने मुतवफ़ी का बेटा काशफ अली है, राशिद अली है, अहमद दीन है, और उसके बाद आ जाता है नईम सादिक। ये है पिसरान मुतवफ़ी, ठीक है। उसके बाद मुतवफ़ी की बेटियाँ हैं रशीदा, राशिदा, उसके बाद आ जाता है फरजाना और फौजियाँ। ये दुख्तरान मतवाफ़ी हैं, ये वारसान है, ठीक है। तो उसने जो हमें शजरा बनवाया उसमें सबसे पहले हमारे पास मतवफ़ी जो है वो है सादक अली, ठीक है। सादक अली की दो बीवियाँ थी, पहली बीवी का नाम था नूर जहाँ जो कबल फौतशुदा है, जिसको हिस्सा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सादक की दूसरी बीवी शकीला बीबी जो जिंदा है, इसको 1/8 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए मतवफ़ी के बिल्कुल ऊपर जो है मतवफ़ी का वालद है अली अहमद जो कबल फौतशुदा है, उसे इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। और उसके बाद है मतवफ़ी की वालदा, वो भी कबल फौतशुदा है, जैनब बीबी, इसको भी हिस्सा नहीं मिलेगा। बाकी 1/8 हिस्सा जो है मतवफ़ी की दूसरी बीवी को मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पटवार में सबसे पहली बीवी का पता है वो राइट साइड पे बनाना है, उसके बाद बाकी जितनी भी बीवियां उनका पता जो है लेफ्ट साइड पे आपने बनाते जाना, अगर 2 या 3 है, ठीक है। तो 1/8 हिस्सा शकीला बीबी को मिलेगा और बाकी जो हिस्से हैं वो औलाद में तकसीम हो जाएंगे। औलाद में 4 बेटे हैं और 4 बेटियाँ हैं। सबसे पहले है काशफ, ये भी जिंदा है, नीचे मैंने लिख दिया कि रेड से कि ये जिंदा है या कबल फौत, ठीक है, ये जिंदा है, इसको भी हिस्सा जाएगा। राशिद अली है, अहमद दीन है, फिर उसके बाद नईम सादिक है, ये 4 बेटे हैं, इनको भी हिस्सा जाएगा। और उसके बाद है रशीदा, राशिदा, फरजाना और फौजिया, ये 4 बेटियाँ हैं, ठीक है, इनको भी हिस्सा जाएगा। तो अब मैंने फर्जी हिस्से जो है, क्योंकि हमारे पास जो है शरीयत के मुताबिक जो है 1 गुना बेटे को हिस्सा मिलता है और आधा बेटी को मिलता है, तो मैंने इस तरह किया है कि बेटों को 2-2 हिस्से दे दिए हैं और बेटी को 1 हिस्सा दिया है। 2 काशिफ को दे दिए, 2 राशिद को दे दिए, 2 अहमदीन को, 2 नईम सादिक को, उसके बाद 1 रशीदा को, 1 राशिदा को, 1 फरजाना को और 1 फौजिया को, ठीक है। अगर देखा जाए तो टोटल हिस्से ये कितने मान जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 1 रशीदा का 9, 10, 11, 12, टोटल हिस्से जो है औलाद के 12 बन जाते हैं, और 1/8 हिस्सा जो है वो सकीना को जाएगा। तो आए देखते हैं कि हम ये हिस्से आगे कैसे तकसीम करते हैं। तो ये मैंने लिखा है ऊपर कि औलाद के कुल हिस्से, औलाद के कुल हिस्से हमारे पास है 12, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास शकीला बीवी नंबर 2 जो दूसरी बीवी है, उसका हिस्सा 1/8 उसको आएगा। तो हमने कुल हिस्से किस तरह से निकालने, कुल हिस्से निकालने का तरीका हमारे पास ये है कि औलाद के कुल हिस्से मल्टीप्लाई हमने कर देनी है बेवा के हिस्से के साथ है, ठीक है। तो औलाद के कुल हिस्से हमारे पास कितने हैं, औलाद के कुल हिस्से हैं हमारे पास 12, ठीक है, और बेवा के कितने हैं 8। 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कुल हिस्से हमारे पास बन जाते हैं 96, 96 कुल हिस्से, ठीक है। अब हमारे पास कुल हिस्से तो 96 बन गए। अब इन कुल हिस्से में से हमने जो है बेवा का हिस्सा निकालना है, बेवा का हिस्सा निकालने के बाद बाकी जो है तकसीम करने हैं औलाद में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेवा का हिस्सा निकालूंगा। बेवा का हिस्सा निकालने का तरीका क्या है, बेवा का मखसूस हिस्सा निकालने का तरीका ये है कि बेवा का शरी हिस्सा और मल्टीप्लाई हमने कर देना कुल हिस्से के साथ, और आपको पता है कि बेवा का शरी हिस्सा होता है 1/8 और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया कुल हिस्से से हमारे पास 96 है, ठीक है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 12 आ गया, इसका मतलब है 12 इसका
मखसूस थी साहब कुल हिस्से 96 में से, ठीक है। नीचे मैंने लिखा है कि कुल हिस्से हमारे पास 96 हैं, जिनमें से नफी 12 जो है बेवा को हिस्सा चला गया, बाकी हिस्से जो है वो बहन भाई जो औलाद में तकसीम होंगे, ठीक है, मतवफ़ी की औलाद में तकसीम होंगे, ठीक है। यहाँ पे गलती से लिखा गया है बहन भाइयों में, ठीक है, औलाद कर देता हूँ। मतवफी की औलाद, ठीक है, मतवफी की औलाद में तकसीम होगी, ठीक है। तो अब औलाद में हिस्से निकालने का तरीका हमारे पास ये है कि मखसूस हिस्सा और कुल हिस्से, मखसूस हिस्सा औलाद में से और कुल हिस्से औलाद में से मल्टीप्लाई हमने कर देना है बेवा के बाद बाकी हिस्से जो हैं, इधर भी हमने औलाद लिख देना है ये पहले से, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले काशिफ का जो है मखसूस हिस्सा था 2 और कुल हिस्से थे औलाद में से 12 और मल्टीप्लाई हमने कर देना है बकिया हिस्से बेवा के बाद जो बाकी हिस्से हैं, बेवा के बाद बाकी हिस्से 84 हैं, ठीक है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 तकसीम 12 मैंने वो 6 आ गया, 6 को जब मैंने 84 के साथ सॉरी 2 को 12 पे तकसीम किया और मल्टीप्लाई मैंने 84 के साथ कर दिया तो मेरे पास 14 आ गया, ठीक है, 14/96। इसी तरह मेरे पास राशिद का हिस्सा आ गया, इसी तरह मेरे पास अहमद दीन का हिस्सा आ गया, इसी तरह नईम सादिक का हिस्सा आ गया, ठीक है। उसके बाद जो बेटियां हैं उनका मखसूस हिस्सा था 1 और कुल हिस्से औलाद में से थे 12 और मल्टीप्लाई हमने कर देने हैं बकिया हिस्से बेवा के बाद, बेवा के बाद 84 हिस्से थे तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसके 7 हिस्से आ गए, ठीक है, एक बेटी का 7, फिर दूसरी का 7, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि हमने जो हिस्से निकाले हैं वो अगर जमा करें तो हमारे पास जो है कुल 96 हिस्से बनते हैं। तो ये मैंने 12 जमा 14 जमा 14 जमा ये तमाम लिख लिए, ठीक है। लिखने के बाद फिर मैंने इनका जो है एलसीएम लिया, ठीक है, जुजाफकल जिसे कहते हैं। तो मेरे पास 96 ऊपर से आगे 96 नीचे, इसका मतलब है हमने जो हिस्से निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास मतवाफी की जायदाद में 100 कनाल रकबा है, तो 100 कनाल रकबा हमने जो है वह तकसीम करना है, ठीक है। तो 100 कनाल रकबा हम किस तरह से तकसीम करेंगे, 100 कनाल रकबा तकसीम करने का हमारे पास तरीका यह है कि रकबा निकालने का तरीका है मखसूस हिस्सा तकसीम करना है हमने कुल हिस्से पे और मल्टीप्लाई कर देना हमने रकबे के साथ। सबसे पहले मेरे पास है बेवा, बेवा का मखसूस हिस्सा था 12 और कुल हिस्से कितने थे 96 और मल्टीप्लाई रकबा कितना है 100 कनाल, ठीक है, 12 तकसीम 96 मल्टीप्लाई 100 के साथ किया तो मेरे पास आया 12.5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 12 यहाँ पे लिख दिया, जो 5 था उसको मैंने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10 आ गया, ठीक है, 0.5 को, तो इसका मतलब है 12 कनाल 10 मरले आ गया। उसके बाद मेरे पास आ जाता है काशफ, इसका रकम निकालने का तरीका क्या है, इसका मखसूस हिस्सा 14 था और कुल हिस्से 96 थे, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमने कर देना 100 के साथ, तो 14 कनाल 11 मरले 100 जो है 49 फुट आ गए। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने रकबा निकालना है, ये मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, जी नाज़रीन ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा 14 और डिवाइड मैंने कर दिया 96 पे और मल्टीप्लाई मैंने कर देना है कुल रकबे के साथ, कुल रकबा कितना है 100 कनाल है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास 14.5853333 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे 14 लिख देना है, ठीक है, मतलब ये है कि 14 कनाल ऊपर जो अशारिये में है वो पूरा कनाल नहीं पूरी होती तो हमने उसको मरले में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने 14 नफी कर लूँगा, ये मैंने 14 नफी कर लिया, ठीक है, और बाकी जो बच गया है उसको मैंने मरले में कन्वर्ट करना है। मरले में कन्वर्ट करने के लिए एक कनाल में कितने मरले होते हैं 20, तो मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो ये मेरे पास 11.666666 आ गया, ठीक है।
जी नाज़रीन, ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये हमारे पास जो है 11.66 आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि 11 नफ़ी कर देना, ठीक है। नफ़ी मैंने कर दी है 11, ठीक है। 11 नफ़ी करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी बच गया, क्योंकि उसको हमने फुट में कन्वर्ट करना है, तो एक मरले में 272.25 फुट होते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 272.25 के साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 181.50, ठीक है। तो ये मैंने 181.50 लिख दिया। इसी तरह राशिद का मैंने निकालना है 14.96 × 100, तो मेरे पास रकबा आ जाएगा। इसी तरह अहमद को 14.96 × 100 के नाल, फिर नईम सादक का इसी तरह 14.96 × 100 के नाल, फिर उसके बाद रशीदा का हमने इसी तरह निकालना है, फिर उसके बाद राशिदा का जो है मखसूस हिस्सा है 7, कुल इसे 96 हैं, मल्टीप्लाई हमने रकबे के साथ कर देना, 100 के नाल है वो रकबा, तो ये भी आ जाएगा इसका रकबा। उसके बाद फरजाना का आ जाएगा, उसके बाद जो है फौजिया का आ जाएगा। तो ये रकबा तो हमने निकाल लिया। अब हमने ये करना है कि इसकी पड़ताल करनी है कि क्या हमने रकबा जो निकाला है वो ठीक है या गलत है। तो वो किस तरह से करेंगे, वो करने आसान है। सबसे पहले आपने फुट जो है वो जमा कर लेने, 181.5 जो है वो 4 दफ़ा है, और उसके बाद 226.87 है, ये भी जो है 4 दफ़ा, ठीक है। तो ये आपने जब जमा कर लेना, तो मेरे पास 16.33.50 आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपने मरले जमा कर लेने, मरले मैंने जमा किए तो मेरे पास 74 आ गए। उसके बाद आपने कनाले जमा कर लेने, कनाले मैंने जमा किए तो मेरे पास 96 आ गए, ठीक है। तो अब बात ये है कि हमारे पास तो 100 कनाल रकबा था, इधर जो है 96 कनाल आई है, और 74 मरले 1633 फुट आए हैं, ठीक है। तो अब हमने इन फुटों को मरले में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो सबसे पहले आप लिखोगे 16.33.50, ठीक है। इसको हम तकसीम करेंगे 272.25 पे, मरले में कन्वर्ट करने के, ठीक है। 25, तो ये जैसे ही मैंने मरले में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 6 मरले बन गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फुट में कुछ नहीं लिखेंगे, 6 मरले आगे कन्वर्ट कर देंगे। आगे मेरे पास मरले पहले 74 थे, जमा मैं 74 कर दूंगा, ठीक। मैंने 74 जमा कर दिए तो मेरे पास 80 मरले बन गए, ठीक है। जब 20 मरले से ऊपर चल जाए तो हम उसको कनाल कंसीडर करते हैं। तो ये 80 मरले बन गए, तो हम इसको 20 पे तकसीम करके देखते हैं तो हमारे पास कितने मरले हैं। ये मैंने 20 पे तकसीम कर दिया तो मेरे पास जो है मरले 4 बन गए, ठीक है। तो फिर हम इस तरह 4 कनाले बन गए, ठीक है। हम मरले में भी 0-0 लिख देंगे, ये 4 कनाल आगे जो है कनाल में जमा कर देंगे। 96 कनाल हमारे पास पहले हैं, 4 कनाल ये हैं, जमा कर देंगे 96 के साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास 100 कनाल रकबा पूरा हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो बाकी अगर किसी बात की समझ नहीं है या नहीं आई आप लोगों को, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है क्वेश्चन छोड़े, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि तंजील सुहेर यूट्यूब चैनल जो है वह सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें, क्योंकि मैं डेली बेस पे जो है वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह पटवार की जो है समझ आ जाएगी। आज की जो वीडियो है वो मेरे एक दोस्त नईम सादिक हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप वीडियो एक बना के अपलोड करें, तो उनके भी हाफ में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो बाकी ज़रूर जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और जो वीडियो है अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि ये एक वाहद यूट्यूब चैनल है जिस पे आप लोगों को जो है डेली बेस पे वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप तंजील सुहेर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो और मैं डेली बेस पे जो है वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। तो क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ चार्जेस तो मांगता नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों से सपोर्ट मांगता हूँ, वो आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।